पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बाकी मेरे पास सारे तथ्य भी है, इस पर हमने आरटीआई भी लगवाई है। दासखंड योग के पंचायत समिति सदस्य महेंद्र सिंह काल्टा ने मतियानी मोहारी छैला सड़क के निर्माण के टेंडर को लेकर विभाग पर सवाल खड़े किए। ठियोग ब्लॉक से मोहरी वार्ड, वार्ड नंबर एक, महेंद्र काल्टा, आप लोग क्षेत्र में मतियाना मोहरी करके एक रोड है, छैला मतियाना मोहरी छैला करके रोड है, उस रोड का पिछले 16 फरवरी को टेंडर की प्रक्रिया हुई थी, जो कि रोड तकरीबन 26 किलोमीटर है। इसका टेंडर 23 करोड़ 36 लाख का था, जिसमें 5 साल का मेंटेनेंस भी शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने नियमों को दरकिनार कर टेंडर अवार्ड किया है, जो पूरी तरह गलत है। महेंद्र सिंह काल्टा ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सड़क निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया में दो लोगों ने भाग लिया। 26 किलोमीटर सड़क का 23 करोड़ 36 लाख का यह टेंडर था, विभाग ने बिना शर्तें पूरी किए ही व्यक्ति को टेंडर दे दिया। इसमें टेंडर में दो लोगों ने भाग लिया, जिन लोगों ने भाग लिया उसमें जो भी प्रतिभागी थे उसको, एक को ओपी मेहता करके जो है उनको टेंडर अवार्ड कर दिया गया। और जो टेंडर की प्रक्रिया होती है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से जो प्रक्रिया रहती है, उसमें जो टेंडर मिनिमम वर्क जो होता है, सिमिलर नेचर में जो मिनिमम वर्क होता है, उसमें उसका एक मिनिमम अमाउंट होता है, जो अमाउंट 7,27,024 लाख है की शर्त की थी, जो ओपी मेहता को, जिनको ये टेंडर दिया गया, वो उसको पूरी नहीं करते हैं, उसमें वो क्वालिफाई नहीं है। फिर भी सरकार ने, विभाग ने उस टेंडर को अवार्ड कर दिया, इस बात को लेकर हम आपके बीच आए हैं। उन्होंने विभाग से ईमेल के द्वारा जानकारी लेनी चाहिए तो जवाब नहीं मिला। आचार संहिता के तुरंत पहले यह टेंडर अवार्ड किया गया था, इस पर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सरकार से, मंत्री से, विभाग से आग्रह है कि अपने क्षेत्र में, जो हमारे क्षेत्र में इस रोड का काम हो रहा है, वो सही व्यक्ति को सही कागजों के साथ दिया जाए। ऐसा ना हो कि कल को, हम तो इस बात को बहुत बड़े स्तर पर उठाने का प्रयास करेंगे, हम आज मीडिया के माध्यम से, और कल को हम इस पर धरने प्रदर्शन भी करेंगे अगर सरकार इस तरह का रवैया अपनाती है, इस तरह की जोर जबरदस्ती करती है। न्यूज डेस्क, एनवर लाइफ।